हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। एक क्वेश्चन जो कि आपके माइंड में बार बार आ रहा होगा और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बार बार कमेंट कर रहे हैं वीडियोस के नीचे कि गाइस सर एग्जाम कब होगा। यूजीसी नेट के एप्लीकेशन फॉर्म तो डिक्लेयर किए जा चुके हैं बट एग्जाम की डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, तो एग्जाम कब कंडक्ट किया जाएगा उसके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। गाइज आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाला हूँ। कंप्लीटली फैक्ट बेस्ड बात करूंगा, एविडेंस के बेस पर बात करूंगा, हवा में बातें नहीं होंगी। एक एक चीज मैं आपको यहाँ पर फैक्ट बेस्ड बताऊंगा कि एग्जाम की डेट क्या हो सकती है और क्या रहने वाली है। गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूँ। साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या PhD एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज जो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया था NTA की तरफ से, मैं इसी को ओपन करता हूं और इसी में आपको मैं फैक्ट बेस्ड चीज़ें बताऊंगा कि क्यों मैं बोल रहा हूं कि जो एग्जाम डेट है वो क्या रहने वाली है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है वो 20 तारीख है, 20 मई तक फॉर्म फिलिंग चलेगी। उसके बाद 21, 22, 23 3 दिन तक आपको करेक्शन करने का टाइम दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया गया है। गाइज अगर आप NTA की वेबसाइट पर विजिट करेंगे, मैं आपको विजिट करके दिखा देता हूँ एक बार। ये जो NTA की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आप जब विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो यहाँ पर पब्लिक नोटिस दोबारा से इन्होंने इशू किया है दो अलग अलग एग्जाम को लेकर के, एक है आपका नीट का एग्जाम और एक है आपका CUET का एग्जाम, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इन्होंने क्या किया, दोनों को ही एक्सटेंड कर दिया है, मतलब दोनों की जो लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन करने की वो एक्सटेंड कर दी है, और वो भी तब जब इनको 1 महीने का टाइम दिया गया था, इनको 30 डेज का टाइम दिया गया था फॉर्म फिलिंग का, 30 दिन का टाइम दिया गया था, इसके बाद भी ये डेट एक्सटेंड कर रहे हैं। और एक एग्जाम के साथ नहीं हो रहा, दो दो एग्जाम, और दोनों ही नेशनल लेवल के एग्जाम है जो कि ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म फिलिंग होती है। अगर हम बात करें अपने यूजीसी नेट एग्जाम की तो ये भी एक आपका नेशनल लेवल का एग्जाम है और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टेट है हर स्टेट से स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं। तो गाइज यहाँ पर ओनली एंड ओनली 20 डेज का टाइम दिया गया है, तो ये तो यार ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर एक्सटेंशन मिलेगा ही मिलेगा। बहुत ही हाई चांस है कि यहाँ पर जो आपके फॉर्म फिलिंग की डेट है वो बढ़ाई जाएगी, मिनिमम 1 हफ्ता 1 वीक तो आपका एक्सटेंड किया ही जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबल, ये 100% गारंटी नहीं है बट 99.99% चांस है कि इसको भी ऐसे ही किया जाएगा बिकॉज ये भी आपका एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। अब अगर 1 हफ्ता बढ़ा दिया जाएगा टाइम, उसके बाद करेक्शन कराई जाएगी 3 दिन की, तो लगभग आप ये मान के चलिए कि मई का जो पूरा मंथ है वो एंड हो जाएगा। मई एंड तक जो है ये कंप्लीट प्रोसेस करवा लेंगे फॉर्म फिलिंग का एंड करेक्शन करने का। देन इसके बाद गाइज आपके जो फॉर्म होते हैं उनके उनको एक बार चेक किया जाता है, स्क्रूटिनी होती है कि किसी बच्चे ने कुछ गलत तरीके से फॉर्म फिल तो नहीं कर दिया, और आपके सिग्नेचर और फोटोज वगैरह चेक की जाती हैं। देन इसके बाद आपको सेंटर अलॉट किए जाएंगे, सेंटर अलॉट करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, 1 से 2 हफ्ते का। तो गाइज जो मोस्ट प्रोबेबल डेट है एग्जाम होने की वो जून के मंथ में एग्जाम हो सकता है, और ये सिर्फ मैं हवा में बात नहीं कर रहा, देखो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन वाले। जब आप इस कॉलम को पढ़ेंगे जो क्या आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था, इसमें लिखा हुआ था कि जो जैरिक की एज लिमिट है वो 31 ईयर्स है, और जो ईयर जो 31 ईयर है वो कब काउंट किया जाएगा, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस मंथ में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा उसी मंथ के फर्स्ट डे को 31 तारीख की जो एज, 31 ईयर की जो एज है वो आपकी कैलकुलेट की जाएगी। तो कौन सा महीना दिया इन्होंने, जून का महीना दिया है, मतलब 1 जून को आपकी 31 जो साल की उम्र है आपकी वो यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी। तो इसका मतलब साफ साफ इन्होंने बता दिया है कि जो एग्जामिनेशन का मंथ है देयरफॉर 1 जून, इसका मतलब जून के मंथ में ही एग्जाम कंडक्ट कराने के मूड में है ये। तो देखो जून के फर्स्ट और सेकेंड वीक में तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, एक तरीके से इम्पॉसिबल सा एग्जाम कंडक्ट कराना, लेकिन 20 जून के बाद, 20 से 25 जून 30 जून के आसपास, मतलब ये आप मान के चलो कि जून के एंड में एग्जाम कंडक्ट कराना इनके लिए काफी आसान हो जाएगा, और तब तक एग्जाम की डेट भी अनाउंस कर देंगे। गाइज अगर आप लोग पैनिक हो रहे हैं तो पैनिक बिल्कुल मत होइए, बिकॉज मैंने यहाँ पे आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर जो UPSC का प्रीलिम का एग्जाम है वो उसकी जो डेट है उसकी 5 जून की डेट है, मतलब जून के फर्स्ट वीक में। तो ये नेशनल लेवल का एग्जाम है जो कि बहुत बड़े लेवल पे कंडक्ट होता है, तो ये जून के फर्स्ट वीक में डेट भी नहीं है इनके पास, प्लस अभी फॉर्म फिलिंग चल रही है तो इनको फॉर्म फिलिंग भी एक्सटेंशन करना पड़ेगा, और इसमें फॉर्म फिलिंग करने के बाद भी इनको टाइम लगता है हफ्ते से 15 दिन का ताकि ये आपको सेंटर अलॉट कर सकें। तो गाइज जो आपके एग्जाम की मोस्ट प्रोबेबल डेट है वो है जून के एंड का मंथ, जून मंथ के एंड में।
अब जून के एंड में का मतलब ये हो गया कि अगर अगर हम अभी बात करें तो मई का फर्स्ट वीक चल रहा है, मई का पूरा मंथ आपके पास है और जून का पूरा मंथ आप मान के चलिए, तो 45 से 50 डेज आपके पास है प्रिपरेशन करने के, 45 से 50 दिन आपके पास हैं। आप इस टाइम ड्यूरेशन में अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो पेपर 1 प्लस पेपर 2। इसकी जो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि इस मिनिमम टाइम पीरियड में किस तरीके से आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर सकते हैं, इस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो को जाके गो थ्रू कर लें आप लोग। और गाइज मैं आपको बता दूं कि हमारे इसी चैनल पे, सेम इसी चैनल पे जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस पर मैं डेली शाम को 8 बजे क्लास ले रहा हूँ, और डेली तो खैर नहीं ले पाऊंगा बिकॉज मुझे और भी जगह पढ़ाना होता है, और भी क्लासेस होती है मेरी, तो मैं यहाँ पर ऑल्टरनेट डेज पे या फिर जिस जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज कवर करवा रहा हूँ। ये मैंने स्टार्ट किया है, कल से स्टार्ट हुआ है ये क्लासेस, तो आप इनको अटेंड कर सकते हो। अगर पेपर 1 की अगर बात करें तो आप इनको अटेंड कर सकते हो, यहाँ पर केवल और केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कवर करूंगा। और अगर आप कंप्लीट क्रैश कोर्स लेना चाहते हो तो आप हमारी यूजीसी नेट मेंटोर की एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पे कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड आपको क्रैश कोर्स अवेलेबल करवाया जा रहा है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में ही है, वीडियो लेक्चर्स हैं, मॉक टेस्ट हैं यूनिट वाइज, प्लस PDF फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल है, मतलब एक सिंगल प्लेस पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, तो आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड गाइज अगर आप सीरियस हैं, सिंगल अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आपके लिए ही इस ऐप को बनाया गया है। आप इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लीजिए। 40 to 45 डेज में मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपना कंप्लीट कोर्स कवर कर लेंगे, ये मेरी आपकी पर्सनल गारंटी है। जो मेरे लेक्चर्स की लेंथ है वो 30 से 40 मिनट की है। अगर आप डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटे भी अगर आप इस ऐप पे स्पेंड करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेंगे, और इस तरीके से कर लेंगे जिस तरीके से NTA क्वेश्चन पूछता है। तो इस ऐप को आप इंस्टॉल करें, इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां पर जाकर एक बार इस ऐप को इंस्टॉल करें और खुद से गो थ्रू करें। एंड गाइस बिल्कुल भी परेशान ना हो, घबराएं नहीं, प्रिपरेशन करते रहें। अगर आप घबराएंगे, परेशान होंगे, नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी तो आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तो गाइज बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो मैं आपको बस एक ही बात बोलूंगा कि आपके पास अगर 40 से 45 दिन या 50 दिन भी आपके पास अगर बचे हैं, और अगर आप इन दिनों में मेहनत करना स्टार्ट कर लो, और इन दिनों में मेहनत करके अगर आप इस एग्जाम को क्रैक कर लो, तो आप अपकमिंग जो 6 मंथ जो बच्चे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए मेहनत करने स्टार्ट करते हैं, सोचते हैं कि हम दिसंबर वाला देंगे, तो वो टाइम अपना आप बचा लेंगे। जो अपकमिंग आपके 6 मंथ है आप उनको सेव कर लोगे इन मिनिमम पीरियड जो 40 से 45 दिन है, या तो आप इनमें मेहनत करके निकाल दो एग्जाम, या फिर इसके बाद आपको दिसंबर में दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से आपको 6 मंथ अपने लाइफ के देने पड़ेंगे। गाइज मैं एक चीज बता दूं, अभी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के फॉर्म निकले हैं, ओनली UGC नेट की रिक्वायरमेंट है, रिटर्न एग्जाम होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर आप एक स्टेट लेवल जो कॉलेजेस होते हैं वहां पर PhD कंपलसरी नहीं होती और ना ही होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो स्टेट लेवल की कॉलेजेस होते हैं जैसे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, और ऐसे जितने भी होते हैं, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यहां पर ओनली नेट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप नेट के बेस पे अप्लाई करोगे तो ये लोग रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, इंटरव्यू देना है, आपकी जॉब लग जाएगी, आप एक गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। तो गाइज नेट क्वालिफाई करें, बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास, अभी जस्ट फॉर्म निकलने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑलरेडी फॉर्म निकल चुके हैं, हरियाणा के निकलने वाले, राजस्थान के निकलने वाले, तो जितना जल्दी आप नेट क्वालिफाई करेंगे उतना ही जल्दी आप इन जगह पे अप्लाई कर पाएंगे और अपनी जॉब जो है वो एज एन गवर्नमेंट कॉलेज में सिक्योर कर पाएंगे। सो गाइज आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और इसी अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक कीजिए, आपके पास अपकमिंग डेज में काफी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। गाइज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटर, थैंक यू सो मच।